हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वक्त हो गया है पूरे दिल से आप सबके साथ मिलने का। सो मैं आप सबको आपके यूज शो पूरे दिल से, मैं अपने पूरे दिल से वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम हमेशा ये प्रे करते हैं आप हमेशा ठीक रहें, क्योंकि ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। सो करते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारी टीम की तरफ। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मैरियन सैमसन। मैरियन, क्या हाल है आपका? हाय ऑगस्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका सारा वीक? मेरा लास्ट वीक बहुत एक्साइटिंग रहा एंड आई हैव बीन वेटिंग टू कम ओवर हियर एंड डिलीवर गुड मैसेज टू माय ऑडियंस। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैरियन, हमें लास्ट एपिसोड का हमें रिस्पॉन्स मिला। शॉर्टकट मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के जो बिखरे हुए माइंड थे वो क्लियर हुए। हाँ, कि वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वी शुड ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा होता है। जरूर आज भी बातें सीखेंगे। आपने वादा किया कि वो नेक्स्ट एपिसोड में भी साथ होंगे, तो अपने वादे के मुताबिक हम नेक्स्ट एपिसोड में उनको आज के एपिसोड में जोशुआ को लेकर आए हैं। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अगस्त? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका सारा लास्ट वीक? लास्ट वीक मेरा बहुत अच्छा गुजरा एंड राइट नाउ I am really excited to meet Joshua once again because उनकी स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। It was really good that उनका जिस तरीके से he got a struggle, he struggled for himself after his parents weren't there. It's really good. वेरी गुड, बिल्कुल। सो वही बात है, जब हम खुद किसी से इंस्पायर होंगे तो हम किसी और को इंस्पायर कर पाएंगे। सो बहुत अच्छा है, ब्रिटनी तो बहुत इंस्पायर हुई है। एरिक, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल वसीम, जिस तरह ब्रिटनी ने और मैरियन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाँ बिल्कुल, पिछला हफ्ता बहुत अमेजिंग था गुजरा हम, और मैं एक्साइटेड था कि और इंतजार में गुजरा कि हम आए और दोबारा से बातचीत करें और अपने व्यूअर्स से भी बात करें। तो जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, उनकी उनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल थी और हर बात उनकी बहुत कहते हैं ना कि हमें गूज बम्स दे रही थी, कि हम लोग सुन रहे थे। और मैरियन, उन्होंने बताया कि उनके मदर फादर के गुजरने, पेरेंट्स के गुजरने के बाद उन्होंने कितने पूरे दिल से अपने उस काम को जारी रखा, स्ट्रगल को जारी रखा। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे पास एक होता है कि समवन इज ऑन आवर बैक, कोई हमारे लिए खड़ा है। लेकिन जब नहीं है फिर भी उस स्ट्रगल को पूरे दिल से करना, ये बहुत बड़ी बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जुमला आपने याद करवाया कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो दर हकीकत हमारी पहली सपोर्ट होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स। तो जनाब बिल्कुल, जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, जब तक मैं समझता हूँ आप हैं आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करें। और मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए एक लॉ भी है, हर मजहब हर रिलीजन आपको इस बात का जरूर दावा देता है कि अपने पेरेंट्स की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करें, ये हम सबके लिए भी जरूरी है। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स एक बहुत ही खास ब्लेसिंग है हम सबके लिए। क्या कहते हैं मैरियन आप इस बारे में? एग्जैक्टली ऑगस्टिन, पेरेंट्स से बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है, पेरेंट्स से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है इंसान के लिए। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आसमान पर खुदा और जमीन पर माँ बाप, बस ये दो हस्तियां हैं हमारे पास। उसके अलावा बाकी जो सब कुछ है वो ख्वाब है, वो सब कुछ मैं कहूंगी कि बाकी सब चीजें फजूल हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, आसमान पर खुदा और जमीन पर माँ बाप, बहुत अच्छी। सो जनाब कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और अगर आप जिंदगी बहुत ही सैड फेस के साथ, बहुत ही टेंशन के साथ, बहुत ही किसी बोझ के साथ गुजार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि आप जिंदगी काट रहे हैं। सो बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी का जो बोझ है उसे हटाएं। जिस तरह आप अच्छे कपड़े पहनते हैं उसी तरह जरा अच्छी सी स्माइल भी अपने फेस पे रखें, अपने सारे उस बोझ को हटाएं और जिंदगी को जरा इंजॉय करें, जिंदगी को शॉर्टकट नहीं बनाएं। मैरियन, शॉर्टकट से मैं याद आया, बहुत अच्छा हमने इंटरव्यू सुना, सो दोबारा आप लेकर जा रही हैं उस तरफ। एग्जैक्टली, मैं लेकर जा रही हूं ऑगस्टिन, और जो आपने स्माइल की बात की, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि ऑगस्टिन जैसी स्माइल अपने फेस पर वेयर करें रोजाना। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, जो जिनका इंटरव्यू किया, उनको सुनने के बाद ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहूंगी कि आपको जिंदगी जीने का मतलब के डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स He continued his struggle और आज जो वो हैं उनका काम उनके लिए बोलता है, उनकी अचीवमेंट्स उनके लिए बोलती हैं, और किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं। तो I would take my audience back to the interview. बिल्कुल, सो बिना किसी इंतजार के सबसे पहले चलते हैं मैरियन के साथ और दोबारा से जोशुआ के साथ मिलते हैं और बाकी की सारी बातों को देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। सो हेलो पीपल, मैरियन इज़ बैक विद आवर सेगमेंट कुछ करें कुछ बने। और जिस तरह हम लास्ट टाइम जोशुआ कीथ बेंजामिन से बात कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और हम बात करते करते पहुंच चुके थे उनकी यू नो पर्सनल लाइफ तक, उन्होंने क्या क्राइसिस फेस किए हैं। तो अभी वी हैव जोशुआ ऑन आवर सेट्स एंड जोशुआ वेलकम बैक। थैंक यू। तो आप हमें बता रहे थे कि आपके यू नो आपका सबसे ज़्यादा एक मूविंग मोमेंट उस वक्त लाइफ का हुआ व्हेन योर पेरेंट्स पास्ड अवे। तो उस वक्त आपको पता चला कि लाइफ कितनी क्रूल है,
So how did you compose yourself us dauran mein and where did you derive your strength from? Because you know Nico Ichich ka quote hai ki I derive my strength from Lord Jesus Christ and you may find your strength in whatever you find it in. So mujhe pata hai ki aapka fountain head of strength to aapka obviously you are going to say Jesus Christ. So uske baad in this world who is the person that is the person whom you are going to rely on? That's obviously my mom. Okay, great. I take her as my role model. और मैं उनकी बातें उनकी चीज़ें वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट थी और वो जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने एक मेमोरियल सर्विस कार्ड पे बिकॉज शी इज़ मेडिकल तो मेडिकल से उनका ताल्लुक था तो उनको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो उन्होंने अपने एक मेमोरियल सर्विस के कार्ड पे तो उन्होंने खुद लिखवाया कि आई बॉर्न लाइक अ सोल्जर आई लिव माई लाइक लाइफ लाइक अ सोल्जर एंड नाउ आई एम डाइंग लाइक अ सोल्जर सो वाकई हमने देखा भी उनकी ज़िंदगी बड़ी सोल्जर रही बड़ी कमांडिंग रही तो वो और वो कभी किसी चीज़ से डरी नहीं थी वो कभी किसी चीज़ से अफेयर नहीं हुई थी उनने हर चीज़ का उन्हें सामना किया हर एक की लाइफ में And you know she has given birth to a soldier like आपकी जो testimony है सारा आपका struggle है तो जोशुआ would you like to share your achievements अभी तक because there are people out there जिनको नहीं पता कि जो कि मैं कहूँगी कि आपकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत फोरम्स पे डिस्कस हुई हैं लेकिन आप यहाँ पे आप अपने खुद से बताएं कि व्हाट यू हैव अचीव्ड आप मेरी अचीवमेंट्स कुछ ऐसी थी कि जैसे अगर आप वर्शिप के हवाले से देखें तो मैंने दो एल्बम्स किए हैं जिसमें से एक एल्बम मेरे भाई का ही है नाइजल बॉबी का वो पूरा एल्बम मैंने म्यूज़िक डायरेक्ट किया उसका एंड थैंक्स टू नाइजल बॉबी कि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया बिकॉज ये बहुत बड़ा काम होता है आप अपना कैरियर किसी के हाथ में दे रहे होते हैं तो वो नाइजल बॉबी का फर्स्ट एल्बम था और वो उसका फर्स्ट कैरियर का एल्बम था और उसने अपना कैरियर मेरे हाथ में दे दिया कि भाई आपने करना है उसके बाद मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिला वो अभी लास्ट ईयर एक एल्बम आया है जिन मेरी ड्रीम्स थी उनके साथ कभी काम करने की वो थे वर्शिपर आरिफ रॉजर और मैं कभी उनके सिर्फ गीत सुना ही करता था मेरे डैड भी बड़े फ़ैन थे उनके मेरी मॉम भी बड़ी फ़ैन थी उनकी और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूँगा तो मुझे लियो ट्यून्स जो है उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई हमें एल्बम करना है इस तरह तो हम कराची आना चाह रहे हैं तो मैंने फिर डिक्सन भाई से बात की मैं कहा डिक्सन भाई वो एल्बम करना है तो और वो मंथ ऐसा था सितंबर का जिसमें हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स और चीज़ें कर रहे होते हैं तो डिक्सन भाई ने कहा यार देख लो अगर कर सकते हो तो हाँ कर दो तो मैंने उनको हाँ कर दी और हमने स्टूडियो बिल्कुल बंद कर दिया और हमने पूरा महीना उस एल्बम पे काम किया जो कि मेरी जिंदगानी आरिफ रॉजर का भी एल्बम है तो आप वो ज़रूर लें ज़रूर सुने उस एल्बम के ज़रिए खुदा ने इतनी बरकत दी कि मैं आपको बता नहीं सकता मतलब वो उसके बाद बेसिकली मेरा जो मेरी एक पीक पॉइंट था वो मुझे मिला वो मैं अभी आपको बताऊँगा मतलब तब तक आपने सारा कमर्शियल काम छोड़ दिया स्टूडियो में भी कुछ नहीं हुआ उस पूरे महीने कुछ नहीं हुआ स्टूडियो में सिर्फ उस एल्बम पे काम हुआ लेकिन उस एल्बम क्योंकि उस एल्बम पे मैंने अपने वक्त की दाये की दी थी और जब आप वक्त की दाये की देते हैं एक तो पैसे की दाये की देना होता है और एक वक्त की दाये की तो जब आप खुदावन के हुजूर कुछ भी देते हैं तो वो रायगा नहीं जाती मल्टीप्लाई करके वो आपको रिटर्न करते हैं और उसका मैं आपको भी बताऊंगा कि वो मुझे मल्टीप्लाई करके वापसी कैसे मिली कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ ये मैं लास्ट सेप्टेम्बर की बात कर रहा हूँ लास्ट से लास्ट सेप्टेम्बर की तो हुआ फिर अब ये तो मेरी गॉस्पेल जो मेरी अचीवमेंट थी वो थी कमर्शियल अचीवमेंट अब कमर्शियल अचीवमेंट्स मेरी ये थी कि मैंने बहुत सारी ओएसटीज की बेताशा ओएसटीज की अहमद भाई के साथ जिनमें से मेरी एक फेवरेट है दूसरी बीवी यू नो दैट इज यू नो मेरा फेवरेट सॉन्ग एंड यू नो वो हमारा पहला सॉन्ग था मेरा और अहमद भाई का ओएसटी की दुनिया में पहला सॉन्ग मतलब अहमद भाई तो पहले से कर रहे थे लेकिन अहमद भाई के साथ मेरा पहला सॉन्ग था जो मैंने खुद अरेंज किया था दैट इज दूसरी बीवी उसके बाद फिर बहुत सारे बेताशा अभी खुदा और मोहब्बत टू किया एक टर्किश ड्रामे इतने छोटी सी कयामत की बहुत सारे हमने किए हमने फिर माहे मीर मूवी के गाने किए हमने हमने फिर कमर्शियली हमने हिजरत मूवी का बैकग्राउंड स्कोर किया तो ये सारी हमारी अचीवमेंट थी हमने एक एल्बम पे भी काम किया बहुत सारे मैंने शाही भाई के साथ भी जो कि वाइटल साइंस के फाउंडर में थे उनके साथ काम किया और उसके बाद फाइनली जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी कोक स्टूडियो और अब मैं आपको बताने लगा कि दायकी की बात जब मैं आपसे कह रहा था तो सितंबर में जब हमने अपने सारा लॉस कर दिया सारा काम छोड़ दिया और हम लोग सिर्फ उस फोकस उस एल्बम के ऊपर रहे और जब वो एल्बम हो गया रिलीज़ हो गया बहुत खुशी हुई आरिफ भाई ने बहुत सब ने बहुत अप्रिशिएट किया देन मैं इस्लामाबाद में था मैं इस्लामाबाद से वापस आया हूँ
तकरीबन उस वक्त उस दिन कोई 28 दिसंबर या 29 दिसंबर का डे था, आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो मैं आया हूँ तो मुझे कोई एक पार्सल था मेरे पास, मैं इस्लामाबाद से आया था, तो मुझे वो मोमिन पिक तक पहुँचाना था, मैं वहाँ लेके गया हूँ, वहाँ से वापस आया हूँ। रात के 1:30 बजे मैं अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मैं एक बहुत लंबा टूर करके वापस आया था, उस पर मैं इंटरनेशनल भी आया था। तो मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा तो एक कॉल आती मुझे अननोन नंबर से, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं कहता हेलो जोशुआ, मैं कहता जोशुआ, कह रहे हम आपको 3 हफ्ते से ट्रेस कर रहे हैं, सो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, आपका फ़ोन बनता। मैंने कहा जी मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो उन्होंने कहा आई एम दिस दिस आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोक स्टूडियो, सो हम चाहते हैं कि आप कोक स्टूडियो में आएँ, हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो लाइक वो मेरे लिए बड़ा एक खुशी का मौका था कि यार कोक स्टूडियो से मुझे कॉल आ गई। मतलब मैं पहले कर ही जाता सजाद बेअली ज़फर के साथ, लेकिन वो एक फाइनल वो स्टेज पे मैं आके खड़ा हो गया। पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए वो एक पीक है, कोक पीक स्टूडियो। इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास। एंड देन मैं 2-3 दिन बाद, खैर मैंने उस वक्त उनको कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, मैं 3-4 दिन बाद, वो एक ईगो हो गया ना एकदम कि आर्टिस्ट बन गया कि यार अब मैं आर्टिस्ट हो गया। खैर मैं चला गया कोक स्टूडियो, तो वहाँ से वो मुझे वो चीज़ मिली, और उसके बाद से का अभी तक दूसरा सीज़न मेरा सीज़न 10 हुआ है। और इस दौरान भी मेरे सीज़न 9 करने के बाद दोबारा मेरे आई का प्रॉब्लम हुआ। मेरी फिर लेफ्ट आई तो राइट आई तो थी, लेफ्ट आई भी मेरी डिटैचमेंट हुआ, फिर उसकी सर्जरीज हुई, और उसका किस तरह सर्जरी हुआ, और मैं 6 महीने मेरी आँख में सिलिकॉन ऑयल डला रहा। लेकिन उस दौरान जब मेरे ऑपरेशन के 1 महीने बाद मुझे फिर कोक स्टूडियो से कॉल आई सीज़न 10 के लिए, तो मैंने उनको कहा कि मैं तो अभी कर नहीं सकता बिकॉज मेरा विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी आई अभी ऑपरेट हुई है, सिलिकॉन ऑयल है, अभी एक और ऑपरेशन हो रहा है जिसमें से ऑयल रिमूव करेंगे, देर तो मेडिकल प्रोसीजर्स। तो उन्होंने कहा कि यार तुम फिक्र क्यों करते हो, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं कोक गया तो बिलीव मी कि वो मुझसे पहले वहाँ लोग खड़े हुए थे, तो मुझे ऐसे लगा जैसे खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला और वहाँ अपने फरिश्तों को खड़ा किया हुआ है। तो वो जब मैं वहाँ गया तो वो मेरा सिस्टम लगा हुआ, चीज़ें लगी हुई, सब कुछ वहाँ रेडी था मेरे लिए। तो अब सो ब्लेस्ड किया खुदा ने, किस तरह मेरे रास्ते यहाँ खोले, हम मतलब रास्ता खोल दिया मेरे लिए। और उसके बाद मैं कोक स्टूडियो भी करता रहा, फिर मैंने मुझे डॉक्टर ने ट्रैवलिंग मना करी हुई थी, लेकिन मैं उस दौरान ट्रैवलिंग इंटरनेशनल भी मैं ट्रैवल किया, क्या हो के आया, डिवाइन फेवर आपको हासिल रही अपनी पूरी जर्नी में, राइट। तो जोशुआ बताइए मुझे कि व्हाई डिड यू चूज कीबोर्ड, यू आर नोन एज द पियानो मेस्ट्रो, तो व्हाई डिड यू चूज कीबोर्ड, व्हाई नॉट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट? कीबोर्ड इसलिए बिकॉज मेरे डैड जो थे वो खुद पियानोइस्ट थे, उन्होंने जिनसे सीखा वो थे मास्टर सादिक अली, जो कि लोग म्यूज़िक से पुराने लोग रिलेटेड हैं उनको पता होगा, मास्टर सादिक अली ब्लाइंड थे और वो मैडम नूरजहां और इनके साथ वो प्ले किया करते थे, और वो बहुत उस्तादों में उनका नाम आता है। तो बेसिकली पियानो वहाँ से मिला, तो बीच में मैं थोड़ा सा भटक गया था, बीच में मैंने एक बेस गिटार बजाना शुरू कर दिया था, दैट इज भटकना, वो बीच में भटक गया, बेस गिटार बजाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे जो मेरे एक डैड के जो मेरे एक स्टूडेंट हैं डेनिस विक्टर, जिनसे मैंने ही बहुत सीखा है, तो उन्होंने मुझे बोला यार तुमने क्या शुरू कर दिया भाई, तुम तो कीबोर्ड बजाते थे अच्छा गाते, बेस गिटार कब तक शुरू कर दिया? तो उस वक्त एक जब बच्चा नया नया बंदा जवान हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर एक अपना एटीट्यूड चल रहा होता है, तो उसने कहा बॉस मैं तो ये करूँगा, तो मुझे भी ये था कि मैं ये करूँगा। लेकिन जब समझ आया कि नहीं यार ये बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट ये है नहीं, कीबोर्ड ही है, तो फिर मैंने कीबोर्ड को ही रख किया, और कीबोर्ड ही क्योंकि बचपन से मुझे तालीम भी उसी की दी गई थी, बेस गिटार तो ऐसे ही पकड़ लिया था बीच में एक शौक किया थी जी जी। तो बेसिकली मुझे घर से वो चीज़ ही मिली थी कीबोर्ड ही, और चर्च पर भी कीबोर्ड ही बजाया हमेशा। एंड मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो मैं कॉम्पिटिशन में गया, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त और हार्डली कोई 10-11 साल का होगा। तो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं जो कि अब बाहर रहते हैं अमेरिका में, रॉबिन जॉन, उनका सब नाम जानते हैं। तो मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा था उस वक्त, मैं हार्डली को 10-11 साल का होगा, तो उन्होंने मुझे बुला के और मुझे अवार्ड दिया, और इस तरह मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं। एंड यू डिजर्व दैट रियली। मुझे सोलो सिंगिंग में भी फर्स्ट प्राइज मिल चुका, मुझे क्वायर्स ने बहुत सारे प्राइज जीते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो सबके सामने है, और बहुत से लोगों को पता भी मेरी चीज़ें। तो जोशुआ आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कि क्या चीज़ है जो आपको अभी अचीव करनी है टू क्वेंच योर थर्स्ट, या क्या प्रोजेक्ट है जो आप कहते हैं कि अब ये मुझे मिल जाए, दिस इज़ माय नेक्स्ट मूव? देखिए आने वाले 10 सालों में, पहले अगर आप देखें तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पहले तो ये था कि यार शौक था स्टूडियो में काम करने का, स्टूडियो भी कर लिया, शौक था लाइव परफॉर्मेंसेज वो भी हो गई, शौक था टीवी पे आने का वो भी आ गए। तो अब जब टीवी पे जब मैंने लास्ट सीज़न कर लिया था सीज़न 9, तो उसके बाद मुझे ये गोल तो शुरू से था म्यूज़िक,
लेकिन अब प्रॉपर अब ज्यादा हो, क्योंकि जब आप किसी स्टेज पे आ जाते हैं, जब आप एक रोल मॉडल की तरह लोगों के सामने आते हैं, तो आपका आपको फिर और मेहनत मल्टीप्लाई होती है और आपको उस जगह को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को और ज्यादा काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरी अचीवमेंट यही होगी आने वाले 10 सालों में कि मैं और अच्छा म्यूजिक सीखूँ और ज्यादा म्यूजिक सीखूँ। और जो बेसिकली मैं चाहता हूँ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। आई नो उसमें बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल अपने आप को भी बिल्कुल ही जीरो समझता हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद मुझे सारी ज़िंदगी, 10 साल तो बहुत कम है, शायद सारी ज़िंदगी लग जाए जो मेरा गोल है, जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। तो बस दुआ यही है खुदा से, खुदा हमें पता है कि इतना देर आपको नहीं लगेगी, बिकॉज इन योर लाइफ 29 ईयर्स में इतना सब कुछ अचीव करना, ऑडियंस कैन यू बिलीव जितनी इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं कि वो कोई 29 ईयर्स में अचीव कर सकता है। यू कैन नाउ इमेजिन कि ये कितने अजीम शख्सियत है। एंड जोशुआ, मैं आई विल डेफिनेटली मैं आपसे ये कहूँगी कि हम माजरत ख्वाह हैं कि हमने कम्युनिटी की तरफ से आपको इतनी देर बाद अप्रोच किया। यू आर सच अ जेम और हमने इतनी देर बाद आपको डिस्कवर ही कह लें किया, क्योंकि हमने इतनी देर बाद आपको अप्रोच किया, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल बोलूँगा कि मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं किसी क्रिश्चियन चैनल पर इस तरह आके, किसी क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह आके बैठा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का बड़ा, मैं तो बल्कि एक्सपेक्ट कर रहा था शायद मुझे लास्ट ईयर ही बुलाया जाएगा, बट मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं की और मुझे बहुत इस चीज़ का, आप गिला कर सकते हैं, मुझे बहुत था कि यार, और कम्युनिटी ने इनफैक्ट, मैं सो कॉल्ड जो भी था मैंने स्टूडियो किया या जो भी मेरी अचीवमेंट थी, सबके सामने हैं। और आज आपके पास फेसबुक है, सोशल मीडिया पर सारे हैं, सोशल मीडिया आपके पास बहुत ईजी जरिया, तो लोग सिर्फ लाइक करते हैं, तो अगर नीचे कमेंट कर देंगे और आप अगर एक वर्ड उस पर लिख देते हैं ना कि गॉड ब्लेस यू, तो बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। जैसे एक बड़ी सिंपल सी मैं मिसाल यहाँ थोड़ी सी देना चाहूँगा कि एक एक अगर बीमार के पास आप जाते हैं और बीमार को जाके आप ये बोल देते हैं ना कि यार फिक्र नहीं कर यार, हम तेरे साथ हैं, तो उस बंदे की हिम्मत डबल हो जाती है कि यार उसको अपनी बीमारी फिर याद नहीं आती। कहते हैं ना, गुड़ ना दो, गुड़ की बात कर लो। तो ये वाला, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा वो था कि यार कम्युनिटी मतलब कोई दिख ही नहीं रहा, कोई आता ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई शेयर ही नहीं करता। लास्ट टाइम क्रिस्टल ऑफ पाकिस्तान ने मेरा एक आर्टिकल छापा था, मैंने देखा, तो उन्होंने बस छापा था। राइट इनिशिएटिव। अच्छा, अब गिला कुछ कम नहीं, अब मेरा बिल्कुल गिला नहीं है। एंड मैं उन चैनल्स को जरूर, जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए, जो भी सारी चीज़ें, मैं उन लोग को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ एंड पूरे दिल से की पूरी टीम को, कि उन्होंने मुझे याद रखा। हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप अपने करियर में और भी इससे आगे जाएं, एंड बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन हम अपने शो को यहीं तक रखेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और हमारी बहुत सारी दुआएं पूरे दिल से की टीम की तरफ से आपके साथ हैं। एज फॉर दी ऑडियंस, वी आर नाउ साइनिंग ऑफ। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना मैसेज है, जोशुआ की स्टोरी से हम डिराइव कर सकते हैं कि कभी भी आप परेशान हो, यू आर फीलिंग दैट नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट, तो आपको याद रखना चाहिए कि एक ज़ात है जो कहती है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ना हम बार रास्तों को हम बार बनाऊँगा। सो इसी थॉट के साथ वी आर साइनिंग ऑफ, देखते रहिए पूरे दिल से, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। वेलकम बैक ऑडियंस। मैरियन बहुत 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 अच्छे, मैं चाहता था कि इसका थर्ड पार्ट भी हम करें, लेकिन हम ऑगस्टिन बल्कि उन्हें बुलाएंगे दोबारा बुलाएंगे। तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक इंस्पायरेशनल हमें बातें पता चली, और बहुत अच्छा उन्होंने एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एक पॉइंट उन्होंने बताया कि वक्त की दया यकी। Exactly. बहुत ही यूनिक सी बात हमें लगी कि वक्त की दया यकी, क्योंकि ऑगस्टिन हम हमेशा समझते हैं, मैंने भी यही सुना है कि स्टीवर्डशिप आपकी हमारी पैसे पर ही आकर रुक जाती है, मटेरियल चीजों तक ही कन्फाइन कर देते हैं, लेकिन आज उन्होंने बात बताई कि टाइम जो है वो बहुत एक मेन फैक्टर है, टाइम पे आपकी स्टीवर्डशिप, आपके टैलेंट पर, और जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ आपने पूरे दिल से ऑफर करना है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कैसी अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि पूरा मंथ उन्होंने अपनी सारी जो कमर्शियल कमिटमेंट थी उसे बिल्कुल क्लोज किया, और पूरा का पूरा जिस एल्बम पे उन्होंने काम करना था उस एल्बम पे काम किया, अपने वक्त की दया यकी दी, और फिर जो उसकी ब्लेसिंग उन्हें मिली। और अगस्टिन, जैसा कि पहले मैरियन ने बताया और आप भी बात कर रहे हैं कि हम वक्त की दया यकी देना सबसे जरूरी है, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर हम वक्त अपना खुदा को देंगे ना, तो खुदा अपना सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है। खुदा ने पूरी दुनिया हमारे लिए रखी है, हमें इस दुनिया में अगर रखा गया है किसी मकसद के लिए रखा गया, और ये सब चीज़ें हमारी हैं, लेकिन ये तब मिलेंगे जब हम खुदा को अपना वक्त देंगे। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ जो हमने आज की, इनफैक्ट हमने उनका गिला दूर कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है जनाब, सपोर्ट करें किसी को, सबको सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर जोशुआ अभी हमारे साथ होते तो मैं जरूर उन्हें दोबारा से फूल देता और उन्हें दोबारा से बहुत अप्रिशिएट करता, क्योंकि वो है ही इस लाइक। अरे कोई बात नहीं, अगस्टिन अगर बुके नहीं तो
कुछ अलग किस्म का फूल दे देते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ मेरे सेगमेंट में चलें ताकि मैं आप सबको बनाना सिखाऊं किस तरह हम पॉम पॉम फ्लावर्स को बना सकते हैं और अपने रूम को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं और वो हम उनको ही नॉमिनेट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। सो चलिए व्यूवर्स देखते हैं कि किस तरह पॉम पॉम फ्लावर्स बनाए जाते हैं। मैं और मारिया मिलकर आपको बनाना सिखाएंगे पॉम पॉम फ्लावर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मारिया इकबाल। प्रोग्राम पूरे दिल से के सेगमेंट हैंडीक्राफ्ट में मैं आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह हम आज भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही एलिगेंट सी चीज़ आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं एरिक की तरफ कि वो आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे। जी एरिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक, मारिया आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो एरिक, आज आप ऑडियंस को बताएं कि क्या आप बनाना सिखाएंगे। मुझे सेट पे बड़ी यूनिक सी एक चीज़ नज़र आ रही है जी। बहुत ही फ्लफी से ये फ्लावर्स हैं, तो ये बनाना है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप हमारे सेट पे आज ये खूबसूरत से फ्लावर बॉल्स देख सकते हैं और जैसा आपने कहा इनका नाम भी यही है, फ्लफी फ्लावर बॉल्स। तो आज मैं आप सब देखने वालों को ये फ्लफी फ्लावर बॉल्स सिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग ये खूबसूरत से फ्लावर बॉल्स बना के अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं या अपने किसी भी घर के कोने में हम लोग इसे हैंग कर सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि कितने खूबसूरत और एलिगेंट से यहाँ लग रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्राफ्ट की तरफ। तो हमें मेन चीज़ जो चाहिए वो ये क्रैप पेपर्स हैं। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिलेंगे और हमें इन क्रैप पेपर को यूज़ करते हुए इन फ्लावर बॉल्स को बनाना है। तो हम इसे खोलेंगे और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम इसे बनाना सीखेंगे। इसकी अच्छी खासी लेंथ होती है तो हम इसे आसानी से हम लोग अपना कोई भी काम कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं के व्यूवर्स, हमने ये पूरे क्रैप पेपर की शीट को खोल लिया है। अब हम इसको हाफ करेंगे, इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे और आप सब जानते हैं जिगजैग फोल्डिंग, और इस जिगजैग फोल्डिंग पे भी आप अपनी मर्जी से ज्यादा और कम कर सकते हैं। तो मैं इसको अबाउट 1 इंच का फोल्ड दे रहा हूँ और इसको हम जिगजैग फोल्ड करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे की साइड। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने एक ही शीट को फोल्ड किया है ना, तो इसमें अगर हम कोई एक दो शीट और जो है क्रेप पेपर उसको यूज करके डिफरेंट कलर्स, जी हम डबल कलर के फ्लावर्स भी बना सकते हैं। और अक्सर हम लोग को बहुत ज़्यादा कलर्स पसंद होते हैं, हम लोग चाहे तो दो का कंट्रास्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरी शीट को अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब आप इसके सेंटर में से इसे पकड़ेंगे और इस आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक रिबन की शेप में आ गया। अगर आपके पास स्टेपलर है तो आप इसको सेंटर में से स्टेपल कर देंगे और कुछ इस तरह की शक्ल में आएगा। और अगर आपके पास रिबन्स हैं तो आप इसको नॉर्मली टाई करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरी भी, हमें इसे हैंग करने के लिए एक रिबन की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम इसमें एक रिबन टाई करेंगे। मारिया आप इसे ऐसे पकड़ेंगी और मारिया आप देख सकते हैं हमारे सेट पे तीन तरह के मैंने बॉल्स हैं। फर्स्ट वन पे थोड़ी इसमें अलग अलग से लेयर्स हैं, इसमें निकली हुई हैं, इसमें ये थोड़े पॉइंटेड हैं और ऊपर वाला भी पॉइंटेड है। तो आप चाहें तो इसको इसके जो पेटल्स, बेसिकली ये पेटल्स हैं इनके, तो आप इनको राउंड पेटल्स बना सकते हैं, पॉइंटेड वन वो बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरह के पार्टी पॉपर टाइप के जो होती है चीज़ उस तरह से बना सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने बनाना फ्लावर था और ये बन रिबन गया। तो अब जो मेन पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, कटिंग। जी बिल्कुल, तो हम अब इसके कॉर्नर्स को काटेंगे। हमें किस तरह, हमारी आप क्या चाहते हैं, हम लोग इन तीनों में से कौन सी शेप बनाएं या फिर हम लोग राउंड वाला बनाएं? राउंड वाला ज़्यादा प्यारा लगेगा। चलिए ठीक है, अब हम इनकी दोनों साइड पे राउंड पेटल बनाएंगे, एक पेटल की शेप देंगे और अच्छे से इसकी कटिंग करके इस फ्लावर को बनाएंगे। हम दोनों साइड पे इसको सेम कटिंग करेंगे इसकी। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग हर चीज अपने खुद हम हाथों से बनाना सिखाते हैं कि किस तरह हम लोग अपने काम को आसान कर सकते हैं। हम समटाइम्स हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शॉप्स पर देखते हैं लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम ले, लेकिन एक्सपेंसिव भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे रूम में सेटल नहीं हो पाती। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी के कलर्स दे के, अपनी मर्ज़ी के आइडियाज़ दे के कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं, तो ये ईजी है। अब आप देख सकते हैं कि एक बो की शक्ल में आ गया है। अब जो इसकी लेयर्स की हमने फोल्डिंग की थी, हम उन लेयर्स को खोलना शुरू करेंगे
और सबसे मेन काम यहाँ शुरू होता है कि ये शीट फटे नहीं। ये जो क्रैप पेपर होता है ये बेसिकली टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यू पेपर है। तो हम इसको आराम आराम से इसके लेयर्स को खोलेंगे और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा, एक फ्लावर की शेप में आ जाएगा और एक बॉल फ्लावर बन जाएगा। अगर आप जब आप कोई भी काम इस तरह का कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं ताकि आराम से आपका काम इजीली हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट हम इसकी लेयर्स को खोलना शुरू करेंगे। आपने बहुत ही लाइट हाथों से आराम आराम से आपने इसको खोलना है। मारिया आप देख रहे हैं ये कितना इंटरेस्टिंग कलर है, ये रॉयल ब्लू कलर बहुत खूबसूरत है। आपके जो लेयर्स सही से कट नहीं हुई उनको आप कट करके इजीली खोल सकते हैं ताकि फ्लावर के पेटल्स हम लोग इजीली खोल सकें। तो आप इनके जो लेयर्स जो बाकी नहीं कटे उनको आराम से खुद काट लीजिएगा ताकि ईजीली ये खुल सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लेयर्स हैं वो जॉइंट है अभी भी, तो आप आराम आराम से इसको खोलते चले जाइएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने इसे अपने फ्लावर को ओपन कर लिया है, इसकी हर लेयर को हमने इजीली खोल लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बॉल बन गया है। और आप भी ज़रूर इस तरह के फ्लावर्स बनाएं और अपने घर में हैंग करें। अब देखिए कितना खूबसूरत कलर कंट्रास्ट लग रहा है और उनके साथ थोड़ा मैच, अगर हम लोग मारिया इसको इसके साथ हैंग करके अपने सेट पर लगाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। तो मारिया आपका क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है ये? बहुत ही प्यारा लग रहा है और यकीनन नाज़रीन आपने भी ये सीखा होगा कि किस तरह से एरिक ने इसको हमें बनाना सिखाया है। तो ज़रूर इसको बनाना सीखिएगा, ज़रूर इसको अपने घर में बनाइएगा और इसको हैंग कीजिएगा एज अ डेकोरेशन पीस। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और एरिक को अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़। Wow, Eric, it was seriously बहुत प्यारे थे डेकोरेशन के हिसाब से। आई थिंक ऐसी चीज़ें कि अगर हम घर पे ही बना सकते तो हमें बाहर से कुछ सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है। Because it's homemade and it looks more prettier and it looks good. Superb, Eric, बहुत अच्छा पेपर वर्क आप करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ें बहुत एक्साइटेड करती हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट देती हैं, हमें खुशी देती हैं। सो अगर तो आप खुद अपने ही हाथों से बनाकर ऐसी चीज़ों को अपने ही घरों में लगाएं या किसी को दें तो उसका जो चार्म होता है वो आपके लिए भी हैप्पीनेस का बायस बनता है और जिसको आप दे रहे हैं उनके लिए भी हैप्पीनेस का बायस बनता है। सो जनाब मैं समझता हूँ आज का शो भी बहुत 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 आपको पसंद आया होगा। ज़रूर हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप हमेशा हमें फीडबैक देते हैं, हमें याद है, लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमेशा ही ये बात बताएं कि आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ कि जोशुआ ने जो आज हमें बातें बताई, वक्त की दया यकी, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर अगर गिफ्ट अगर आप किसी को दें तो वो आपका वक्त है। सो जनाब ज़रूर हमें बताइएगा कैसा रहा आज का हमारा शो। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक बहुत ही अच्छी थीम के साथ, बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक मुझे, मैरियन को, ब्रिटनी को, एरिक को, हम सबको इजाज़त दें आपका अपना शो जिसका नाम है पूरे दिल से।